काइंडली प्रीवियस क्लास से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली फाइकस की फाइल को इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। फाइकस की फाइल को इंपोर्ट कर लें। रात वो न्यू अपडेट इंस्टॉल वो उसको इंस्टॉल नहीं करना था हाँ, अपडेट आपने इंस्टॉल नहीं की अभी तक। के सर, आपने कहा तो उसमें कुछ न्यू चीजें हैं वो आप साथ बताएंगे। अच्छा, आप यहाँ पे ये चेक कर लें कि आपके पास ये 4.4.1 शो हो रहा है आर स्टूडियो में। आर स्टूडियो को ओपन करें, या बल्कि यहाँ पे टाइप कर दीजिए। मैं भी टाइप कर रहा हूँ, मेरे पास है 4.4.1। आप लोग भी टाइप करें, आपके पास कौन कौन सा वर्जन है। आप लोगों ने लेटेस्ट जो है वो अपडेट इंस्टॉल कर ली है, तो अब चेक करें कि आपके पास शो हो रहा है 4.4.1 आर स्टूडियो में। यानी अपडेट करने के बाद भी आपके पास शो हो रहा है 4.4.0। ओके, आप में से कोई पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर करना चाहेगा। सर मेरा 4.4.20 है। सर आपके पास तो बहुत पुराना है फिर। लेकिन कल मैं डाउनलोड किया था, इंस्टॉल नहीं किया था, आपने कहा था आप वो उसको इंस्टॉल भी कर कर लें, लूँ। ठीक बल्कि है स्क्रीन शेयर करें। अभी आपकी स्क्रीन पे इंस्टॉल कर देते हैं, बाकी लोग भी इसको देख लेंगे। ठीक है सर। ओके, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी, एक डबल क्लिक करें इसमें। मिनट यहाँ पे आया था अभी। नहीं, ये तो आर स्टूडियो है ना, ये डाउनलोड में होगा आपके पास। ये गूगल पे आए, ये नीचे पड़ा जी हुआ है, फोर ये पॉइंट इस पर डबल क्लिक करें। इसको यस करें। ओके, नेक्स्ट। अगेन नेक्स्ट। अगेन नेक्स्ट। यस। नेक्स्ट। 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 कोई सेटिंग आपने नहीं छेड़नी, सिर्फ नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। कह रहा आपके पास स्पेस नहीं है। सर इसके लिए सी के अलावा कहीं और हो सकता है। नहीं, स्किप नहीं करना आपने इसको। अभी कैंसिल करें ये कैसे इंस्टॉलेशन जी, कैंसिल करें इसको। आप आए सी ड्राइव पे, देख क्लिक करें, देखें कितनी स्पेस आपके पास अवेलेबल है। यहाँ से जो है अनवांटेड प्रोग्राम जो आपने किए हैं उनको आप डिलीट कर दें, बल्कि आप वॉइस को छोड़ दें, यहीं पर रहने दें। आप वापस आएँ, यहाँ डेस्कटॉप पे आएँ, आर स्टूडियो को ओपन करें। आर स्टूडियो को, क्योंकि वो आपको कह रहा था कि ये देखें ना, आपके पास फुल हुई है। जी। ये तकरीबन आपने, आपके पास मेमोरी भी बहुत कम है। पहला वाला डिलीट नहीं कर सकते सर। आप आए ना डाउनलोड में, जो है ना डाउनलोड भी क्लियर कर लें। डाउनलोड से चीज़ें जो है वो डिलीट कर दें। इस ऐप को ना डिलीट करें, बाकी चीज़ें डिलीट कर दें, कि बहुत सारी चीज़ें आपने डाउनलोड में रखी हुई है ना, वो जी सारी जब जी आप डिलीट करेंगे तो आपके पास स्पेस क्रिएट हो जाएगी। अभी आप आर स्टूडियो को ओपन करें, ये बाद में आप डिलीट कर दीजिएगा। ठीक एक है मिनट, आर स्टूडियो को ओपन करें। आर स्टूडियो, जी। इसमें आर स्टूडियो आर स्टूडियो काइंडली, ये डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, इधर भी इधर उसको वहाँ से छोड़ दें, वहाँ पे नहीं आपने जाना। आप डेस्कटॉप पे आए, वहाँ से ओपन ही करना आपने उसको। ये ठीक डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ आपके पास, ये नीचे देखें शो हो रहा है, नीचे नीचे देखें जो बाहर है आपके पास, ये तो आ रहा है ना, जी। इसको क्लोज करें। यहाँ से नहीं, वो ऊपर, यहाँ से ओके। ये नीचे देखें, बाहर जो है ना आपके पास बॉटम पे, यहाँ पे आर स्टूडियो का आइकन बना हुआ है, ये वाला,
इस पर इजीली क्लिक करें। करो। ठीक है, ये आपके पास शो हो रहा है 4.4.0 शो हो रहा है, आप तो 2 कह रहे थे। नहीं टू उधर डाउनलोड में है सर। नहीं वहाँ से नहीं आपने करना डाउनलोड में, ठीक आपके पास ठीक है। आप अभी आए टूल्स स्क्रीन ऊपर आए, टॉप पे आए, वहाँ पे लिखा हुआ टूल्स। अच्छा, बाकी पार्टिसिपेंट भी अब ये स्टेप देख के ना उसको अपडेट कर लें। टूल्स पे आए, सर, ये कहाँ पे है? ये टॉप पे देखें ऊपर जो लाइन है जहाँ पे लिखा फाइल एडिट कोड व्यू, इसके एंड पे देखें टूल्स होगा हेल्प से पीछे। नहीं इसको नहीं उसी लाइन में देखें ना ऊपर आगे ये देखें। थोड़ा नहीं नहीं वहाँ पे क्यों? अच्छा वो जूम की बार आ रही है ऊपर, ठीक है ये जी टूल्स। अब आप क्लिक करें ग्लोबल ऑप्शन पे, सबसे नीचे है बॉटम पे। जी अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है आर वर्जन का, ये इसके साथ लिखा हुआ बटन चेंज, चेंज पे क्लिक करें। अच्छा ठीक है सर। अब आपके पास यहाँ पे 4.4.0 ही है, इसका मतलब है पहले आपको अपने पीसी में जो है वो स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर आप इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने पीसी में जो अनवांटेड चीज़ें हैं रिसाइकल बिन को भी डिलीट करें, डेस्कटॉप से जो चीज़ें पड़ी हैं, जो जो सी में एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, आपने कोई जी सी की फाइल डिलीट नहीं करनी, जी ये ना हो कि फाइल डिलीट कर दें विंडो ये आपकी जाती रहे सारी। ठीक जी जी ठीक है, आपने डाउनलोड में इधर आए, डाउनलोड पे आए, मैं आपको बताता हूँ। है ठीक पीसी में आए, डाउनलोड पे क्लिक करें, वहाँ से चीज़ें आपने डिलीट करनी है, डॉक्यूमेंट से है जी डिलीट करनी है। ठीक है, जी ठीक आपने सी ड्राइव ओपन नहीं करनी, है ठीक है, यहीं से नो आपने जो प्रॉब्लम जो चीज़ें हैं ना आपके पास डाउनलोड में हैं, यहाँ से आपने ये जी सारी जी चीज़ देखें, बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, इनको आप जी डिलीट जी करेंगे तो आपके पास बहुत सी स्पेस बन जाएगी। ठीक है सर। ओके, आप में से कोई और पार्टिसिपेंट काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा हाँ सर, काम कर सकती हूँ ना? तो जी, काम आप इस पर कर सकते हैं आज। ये 4.4.1 जो था, ये सारे मैं डिलीट करूंगी। नहीं, इसको नहीं आपने डिलीट करना, बाकी आप डिलीट कर दें। ठीक है सर। काइंडली कोई और पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी सर, ये मेरे पास 4.4.1 शो हो रहा है, जो प्रीवियस स्टेप था ना आपने उसमें। आपने अपडेट कर लिया हुआ सर ये मैं अपनी शेयर स्क्रीन शेयर करता जी, हूँ। स्क्रीन शेयर करें। ठीक है, आपके पास वन है, किसी के पास जो है वो 0 शो हो रहा हो वो काइंडली स्क्रीन शेयर करें, जिनके पास 4.4.0 शो हो रहा हो अभी तक अपडेट ना हुआ उनसे, शाहिद साहब, मोहम्मद बिलाल साहब। सर सर ओके, मेरा 4.4.1 आ रहा है। अब अभी एक और चीज आ रही है कि वो आर स्टूडियो का भी अपडेट आया होगा मेरा ख्याल है। अभी कब आया उसका, आज? आया, क्योंकि सर जब मैं जैसी मैंने इसको ना अपडेट किया ना 4.4.1 पे, तो भी मुझे उसने ऑप्शन दिया कि आप ना आर स्टूडियो भी अगर अपडेट करना चाहते हैं तो उसको क्विट करके अपडेट कर दें। चलें चेक कर लेते हैं, मैं भी आया हूँ उसका भी ऑप्शन। अच्छा, अभी आप आ जाएं यहाँ पे ना टूल्स पे, स्क्रीन नंबर 1 के ऊपर टॉप पे देखें टूल्स लिखा होगा हेल्प से पीछे, इस पे क्लिक करें। ग्लोबल ऑप्शन चेंज, ये चूज अ स्पेसिफिक वर्जन ऑफ आर, थर्ड पे क्लिक करें, यस, ये 1 पे क्लिक करें, 4.1, हाँ ओके, अप्लाई, ओके। अब आर को क्लोज कर दें और दोबारा ओपन करें, आर स्टूडियो को क्लोज करें और दोबारा ओपन करें, दोबारा ओपन करें इसको। स्क्रीन भी शेयर कीजिएगा, तमाम पार्टिसिपेंट अब इसको अपडेट कर लें इस मेथड से और चैट में मुझे डन कर दें। ओके, यानी मैक्सिमम पार्टिसिपेंट के पास ये डन हो चुका है। आज हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। कल की क्लास जो थी हमारी वो कोरिलेशन से रिलेटेड थी, हमने कोरिलेशन एनालिसिस किए, आज अगेन हम कोरिलेशन ही करते हैं। कल हमारे पास अताउल्ला साहब थे और उनके सुपरवाइज़र साहब थे। अताउल्ला साहब के सुपरवाइज़र कहते हैं जी आप जो है ना वो कोरिलेशन प्लॉट क्रिएट करके लाएं, तो अताउल्ला साहब के माइंड में फ़ौरन एक क्वेश्चन आता है जी। सर क्या क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में?
इसके लिए कौन सा टूल यूज करना कौन सा पैकेज यूज़ कर रहा है, ठीक है, कौन है, कौन सा पैकेज यूज सा करना पैकेज यूज़ होगा। तो आपके सुपरवाइज़र आपको बताएंगे, दो पैकेज हैं, कल मैंने आपको नाम बताए थे, एक का नाम है साइक साइक और कोर कोर प्लाट, साइक और कोर प्लाट। अब कल हमने साइक पैकेज यूज़ करके प्लाट ड्रा किए, वो आपने अपने सुपरवाइजर साहब को चेक करवाए, कल आपके सुपरवाइजर साहब कहते हैं ओके हैं। लेकिन आज आप दोबारा जब जाते हैं ना उनके सामने, वो कहते हैं यार जो आपने प्लाट क्रिएट किया ना, आप ऐसा करें कि आप कोई और पैकेज भी यूज़ करके प्लाट क्रिएट करके लाएं, ताकि हम कंपेयर कर लें दोनों में से कौन सा बेस्ट है, फिर हम उसको यूज़ कर लें। ऐसे ही होता है ना? तो जी सर, जी सर, जी अब आपने पहले क्योंकि साइक यूज़ कर लिया था, अब सर, आपके साइक यूज सुपरवाइजर साहब किया। चाह रहे हैं कि आपको ये भी सिखाया जाए, वो कह रहे हैं कि आप कोर प्लाट पर भी प्लाट बना के लाएं। अब पहला स्टेप आपने क्या करना है कि चेक करना है क्या ये कोर प्लाट आपके पास इंस्टॉल्ड है या नहीं, ठीक है, क्या ये कोर प्लाट का पैकेज आपके पास इंस्टॉल्ड है या नहीं। आपने आ जाना है स्क्रीन नंबर 4 पे, यहाँ पे चेक कर लेना है कोर प्लाट, मेरे पास ये शो हो रहा है, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ यस। आपके पास अगर शो हो रहा है तो यस टाइप कर दें, अगर नहीं शो हो रहा तो नो टाइप कर दें। अच्छा ताला वहाब साहब, अब आपके पास ये पैकेज नहीं है, अब आपने क्या करना है? इसको इंस्टॉल करना इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल कहाँ से करेंगे हम? स्क्रीन नंबर 4 से, पैकेजेस फोर्स अपडेट इंस्टॉल, यहाँ पे आपने इसका नाम जी लिखना है कोर प्लाट, कोर प्लाट इंस्टॉल। जस्ट कुछ ही सेकंड में आपके पास ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। अब इंस्टॉल करने के बाद आप इसको लाइब्रेरी करेंगे, लाइब्रेरी कोर प्लाट, और इसको रन करेंगे, आपके पास जो है वो लाइब्रेरी लोड हो जाएगी। ओके अब नेक्स्ट स्टेप है, हमने जो है ना वो कोड राइट करना है, स्क्रिप्ट राइट करना है, यानी मेथड अप्लाई करना है, मेथडोलॉजी यूज़ करनी है। यहाँ पे हम टाइप करते हैं कोर, सिंपल कोर, COR कोर, ठीक है, यहाँ पे आप लिखते हैं फाइकस, COR कोर, ये स्टैट का फंक्शन है, फ्रीली अवेलेबल है, आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। अब देखें इस मेथड से आप तीन चार तरह का जो है ना वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, पीयरसन अप्लाई कर सकते हैं, कैंडल मेथड अप्लाई कर सकते हैं, और स्पर मैन कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। देखें मेरे पास ये सुजेशन आ रही है आपको, यानी फाइल का नाम देना है आपने, फिर मेथड बताना है आप इनमें से कौन सा मेथड अप्लाई करना चाह रहे हैं, पीयरसन, कैंडल या स्पर्मन। मैं बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता मैं हूँ, तो बाय बाय डिफॉल्ट यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें शो करेगा पीयरसन कोरिलेशन। मैं इस पर रन करता हूँ, लेकिन इसने मुझे एरर दे दिया, मे बी आपके पास भी ये एरर शो हुआ हो, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, इसका मतलब यह है कि हमारे पास यहाँ पे कॉलम नंबर 5 जो है वो न्यूमेरिक नहीं है, हमने उसको -5 करना, ये कल हमने सीख लिया था। मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें मेरे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट का टेबल क्रिएट हो गया, इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें।
अच्छा बाबा, ने इसका कोड क्रिएट कर लेना, यानी इसको इसकी कोडिंग कर लेनी है। कोडिंग करने के लिए हम लेस देन माइनस, और इसका हम नाम रख लेते हैं एक्स, नाम रख लेते हैं इसको, ठीक है, और इसको रन करते हैं। अब हमारे पास देखिए एक्स के नाम से एक कोड क्रिएट हो गया स्क्रीन नंबर 3 में। अब इसको रन करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, अब यहाँ पे टाइप करें एक्स और इसको रन करें। ये देखिए आपके पास वर्क कर रहा है। अब हम इसके ऊपर प्लॉट ड्रा करते हैं। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके okay. अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं कोर प्लॉट। कोर प्लॉट ये मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, कोई इशू दे रहा है। मैं एक दफ़ा इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ। ओके okay. मैं यहाँ पर दोबारा टाइप करता हूँ सी ओ डबल कोर प्लाट। ये देखिए मेरे पास सजेशन आ रही है कोर प्लाट की। पैकेज का नाम भी कोर प्लाट है और फंक्शन का नाम भी कोर प्लाट है। इस पर क्लिक करें। अब हमारे पास चूँकि डाटा है एक्स, यहाँ पे हम टाइप करते हैं एक्स और इसको रन करते हैं। जो कह रहे कुड नॉट फाइंड द फंक्शन कोर प्लाट, इसका मतलब है ये हमें लाइब्रेरी करना पड़ेगा। अगेन लाइब्रेरी, देखें जैसे मैंने उसको रन किया, सिर्फ एक छोटा सा फंक्शन लिखा है फोर, आगे फाइल का नाम लिखा, उसने मुझे प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। अब ये जो एक्स है ये कोरिलेशन मैट्रिक्स है, यानी मैट्रिक्स के ऊपर प्लॉट क्रिएट हुआ। इसको कॉपी करें, ग्रुप में शेयर करें। डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब, आप किसी और डेटा पे वर्क कर रहे हैं? आई थिंक आपका प्लॉट जो है वो डिफरेंट मैंने सर अपना डेटा रखा हुआ है, मैं उस डेटा के है। ऊपर काम करूंगा। जबरदस्त सर। ओके अच्छा, अब हम वापस आते हैं आर पे और देखते हैं कि यहाँ पे क्या और भी कोई मेथड्स हैं। ये देखिए हमने इसको सिर्फ फाइल का नाम बताया और हमने इसको ये नहीं कहा कि हमें सर्कुलर प्लॉट चाहिए। इसने बाय डिफ़ॉल्ट हमें सर्कुलर प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। अब अगर आप यहाँ पे मेथड स्पेसिफाई कर लें, आप यहाँ पे 6-7 टाइप के प्लॉट जो है वो डिफरेंट प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे लगाएं कॉमा मेथड, सेलेक्ट करें इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे आप टाइप करें सर्कल। और इसको रन करें तो आपके पास सर्कल प्लॉट अपीयर हो जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है सर्किल वाला। अब अताउल्ला साहब ने ये प्लॉट चेक करवाया अपने सुपरवाइज साहब को। इनके सुपरवाइज साहब कहते हैं कि ठीक है सर्किल प्लॉट ठीक है, आप ऐसा करें आप कलर प्लॉट क्रिएट करके लाएं। ये इन्होंने सर्किल प्लॉट, मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ सर्कल कलर, अब इन्होंने क्या करना है सिर्फ रिप्लेस करना है। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद आर में पेस्ट किया और इसको जस्ट रिप्लेस किया सर्कल को कलर के साथ। सॉरी कलर, ये देखिए कलर प्लॉट क्रिएट हो गया। कॉपी करें इसको,
में शेयर करें। अब यहाँ पे देखें, ये गलत लिखने का एक बेनिफिट ये हुआ है कि आर ने हमें सजेशन दे दी कि आपने स्पेलिंग गलत लिखे हैं, आप पॉसिबल ये वाले जो है ना वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं इस फंक्शन को यूज़ करते हुए। अब देखें, पहला भी हम अप्लाई कर चुके हैं स्केयर, दूसरा ये सॉरी सर्कल, दूसरा ये स्केयर मेरे पास शो हुआ है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको रिप्लेस कर देता हूँ स्केयर के साथ, इसकी हेडिंग बना लेता हूँ स्केयर। इस कोड को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं कलर को स्केयर के साथ और इसको रन करते हैं। सर मेरा प्लॉट नहीं आया अभी। क्या सर मैं थोड़ा पीछे रह गई हूँ, मेरा ये आया नहीं अभी तक। ओके, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी, मैं यहाँ पर हूँ। वो आपसे कह रहा है कि कुड नॉट फाइंड फंक्शन कोर प्लॉट, इसका मतलब है आपने लाइब्रेरी नहीं किया हुआ, ये क्या है ना सर, ये आपने लिखा हुआ इसको रन नहीं किया हुआ। सब किया था। आप रन करें कोर प्लॉट, नहीं आपने कोड ही गलत लिखा हुआ ना, कोड आपका गलत है। आ तो गया सर। वो ये ऊपर आपने ना ये एक्स कहाँ से क्रिएट किया आपने, एक्स मैंने करके मैं ये डिलीट किया था, पे यहाँ आने के बाद ठीक हो रिमूव किया। गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें अब आप यहाँ पे अप्लाई करें मेथड, कॉमा लगाएं, कॉमे एक्स के के अंदर बाद ना जी, मेथड, ये सजेशन से सेलेक्ट करें, पहली पहली फर्स्ट वन, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखें कलर, एस भी लगाएं साथ, रन करें इसको। अब देखें ये आपने स्पेलिंग गलत लिखे हैं, कलर्स कलर है ठीक है, लेकिन उसने आपको सजेशन दे दिया नीचे स्क्रीन नंबर 3 में, देखें 2 में देखें, सर्कल स्केयर लास्ट लाइन, लास्ट लाइन देखा करें काइंडली, जब भी एरर जी आपने रीड करना है लास्ट लाइन को रीड करना है ठीक है। जी ठीक है, एरर स्केयर, नहीं है जी। हाँ ये कह रहा है कि आपके पास जो है ना वो ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आप ऐसे रिमूव कर दें वहाँ से कलर से। अब इसको रन करें, ओके। अब यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शन है, स्केयर है, एलिप्सिस हैं, नंबर्स हैं, शेड है, कलर है, पाई है ठीक है। आप इनको रिप्लेस करते तो जाएं, आपको करते जाए आप यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करते जाएं, पूरा ग्राफ चेंज होता जाएगा। सर, कौन सा कॉपी, सॉरी। ये स्क्रीन नंबर 2 में देखें ना, ये एरर में ये आपको बता रहा है, सजेशन दे रहा है कि ये नाम लिखे हुए ना, ये वन बाय वन करके आपने कॉपी करना है, वन बाय वन करके अच्छा कॉपी करके कलर की जगह पे रिप्लेस करना। ओके okay. नाइस, थैंक यू सर। ओके अच्छा, गेन हम यहाँ पे अब देखते हैं, स्केयर भी अप्लाई कर लिया, अब हम यहाँ पे नंबर अप्लाई करके देख लेते हैं, जिस तरह आप कॉपी करें इसको पेस्ट करें और आपके पास ये नंबर प्लॉट क्रिएट हो जाएगी। ये प्लॉट क्रिएट करते जाएं और इसको ग्रुप में शेयर करते जाएं। अब वापस आ जाएं, शेयर करने के बाद दोबारा आर पे आएँ। अच्छा, आप ये सारे जो है ना मेथड ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ये अगर आप कोई यहाँ पे मेथड का नाम गलत लिखेंगे तो ये आपके पास सुजेशन आ जाएंगी। पाई भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाई, पाई आप टाइप करें, आपके पास जो है पाई प्लॉट शो हो गया ठीक है। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। इसी तरह आप
अब यहाँ तक आप लोग क्रिएट कर लेंगे, अब तावला साहब के सुपरवाइज़र कहते हैं कि ठीक है, लेकिन आप ऐसा करें कि आप इसका जो है ना वो अपर हाफ क्रिएट करके लाएं। अच्छा, अब इसको जो है वो हम हाफ़ करना चाह रहे हैं, यानी ये सर्कल फुल शो हो रहे हैं। इसको अगर आप हाफ़ करना चाह रहे हैं तो इसी कोड में आप टाइप करें कॉमा, स्क्वायर ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा, इसमें लिखें अपर, अपर मेन के इसका अपर हाफ़ शो होगा। इसको रन करें, ये देखें इसका अपर हाफ़ शो हो रहा है। कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें इसको। अगेन आप वापस आएँ आर पे, अब आप इसका लोअर हाफ शो करना चाह रहे हैं, यहाँ पर अगेन टाइप करें लोअर और इसको रन करें, तो आपके पास इसका लोअर हाफ शो हो जाएगा। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें, कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं, अगर किसी का कोड रन नहीं हो सकता हो रहा तो बता सकते हैं। आज की जो क्लास थी हमारी वो यहाँ तक ही थी। आपने जो है वो डिफरेंट टाइप के कोरिलेशन प्लॉट क्रिएट करना सीखे, अब आपने इन प्लॉट्स को अपने डाटे के ऊपर अप्लाई करना है, अपने डाटे पे देखें क्रिएट करके, जिस तरह डॉक्टर शाह साहब के पास जो अपना डाटा अवेलेबल था उन्होंने उस फाइल को रेडी किया और उसके ऊपर वो एनालिसिस कर रहे हैं, उन्होंने ग्रुप में भी शेयर किए हैं। आप भी इसी तरह इस टास्क को अपने डाटे के ऊपर भी परफॉर्म करके देखें कि आपका डाटा इस तरह विजुअलाइज करें तो किस तरह का शो हो रहा है। ठीक है, अभी हमें इसकी कुछ फॉर्मेटिंग्स करनी है, ये आपको जो लेबल्स हैं रेड कलर में शो हो रहे हैं इसका कलर चेंज कर सकते हैं, और भी इसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम कोरिलेशन के डिफरेंट मेथड्स हमने सीखे, लेकिन अभी भी हम जो चीज़ सीख रहे हैं ना वो कोड को रीड करना सीख रहे हैं और राइट करना सीख रहे हैं। कल की क्लास में इंशाल्लाह हम जो है वो कोड को एडिट करना सीखेंगे कि इस कोड को एडिट करके आप किस तरह जो है वो एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का, अगर कोई क्वेश्चन है तो मज़ीद आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का या कोई कोड रन नहीं हो रहा तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं क्लास क्लोज कर दूँ। सर, ये जो अपर और लोअर जो ग्राफ का पार्ट है, ये हम किसी भी कोरिलेशन के लिए देख सकते हैं या सिर्फ पाई के अंदर देख सकते हैं? नहीं, किसी पे भी अप्लाई करें ना, यहाँ पे देखें कलर के साथ अप्लाई कर लें, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया ना आपको, आपने सब पे अप्लाई करना, जी ये ठीक देखें। होगा ठीक सर। है, ओके ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।